हे गाइस, 39th वीक, 5 days इट इज, स्टिल नो बेबी। बहुत ही इंतजार करा दिया, इतना भी क्या सेलिब्रिटी वीआईपी है कि आना ही नहीं चाह रहा बेबी। चलो अब इंतजार के अलावा वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, तो सोच रही हूँ कि 2-3 काम है वो कराते हैं। कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, उनके लिए गिफ्ट ले आते हैं, और हर्ष को ना एक होम कमिंग ड्रेस चाहिए बेबी के लिए। इतने कपड़े मंगा लिए, उसके बाद भी उसको होम कमिंग ड्रेस समझ नहीं आ रही, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा यार। मैंने भी सोचा टाइम पास हो जाएगा, चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा मूड माहौल भी बदलेगा। यार सीरियसली अब तो थक गए यार, चलो निकलते हैं। एज ऑलवेज सर से गाड़ी साफ करे बिना तो चलाई नहीं जाएगी। शुरू हो गए लेके गुड गुड वेल डन। तो वन लास्ट टाइम हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि इसके बाद तो हमारे पास एक पार्सल अलग से हो गई हमेशा साथ में। मुझे नहीं लगता वन लास्ट टाइम, हर बार यही कहते कि अब नहीं जाएंगे कुछ लेने, फिर निकल जाती है। अरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, उनके लिए थोड़ा सा सोच रहे हैं कि ज्वेलरी वगैरह ले लें, और फिर हर्ष को ना होम कमिंग ड्रेस तो अभी तक समझ नहीं आ रही। हर कपड़ा उठाता है, देखता है, कहता है ये तो बड़ा है, इसमें से तो बच्चा बहुत बड़ा लगेगा। मैंने कहा अब तेरे को ना न्यू बॉर्न वाले कपड़े लेके दे। मुझे ना ऐसे कपड़े चाहिए जो एकदम फिटिंग के, जिसमें एकदम बेबी का पेट चमक रहा हो, बॉडी भी बिल्कुल एकदम फिटिंग, एकदम टाइट वाले, जैसे मैं बचपन में पहनता था अपने। अच्छा, इसको इसके पास एक भी फोटो नहीं है अपनी बचपन की, ये नहीं, मतलब जवानी की बात कर रहा हूं। और इसने ना एक व्हाइट कलर का बो भी मंगाया है, कह रहा है मैं ना बेबी को ये बो पहना के लाऊंगा। मैंने कहा अगर बॉय हुआ तो, कह रहा क्या हो गया उसको भी पहना देंगे। वो कोई ऐसा कोई जेंडर न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, बो भी अब जेंडर न्यूट्रल होते हैं। चलो ठीक है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, होम कमिंग की तैयारियां हो रही है, पता नहीं कब होने वाली है स्पाइडरमैन की होम कमिंग। चलते हैं और फिर देखते हैं आज कैसे जाता है हमारा दिन। सोचा नहीं था कभी किड सेक्शन में भी शॉपिंग करेंगे, बाप रे मजा आ रहा है। इतने क्यूट क्यूट कपड़े होते हैं यार बच्चों के। ये देख, येलो येलो डॉटी पहन लो, ये अच्छी लग रही है मुझे। इस पर डैडी डैडी लिखा हुआ है, मम्मी मम्मी डैडी डैडी। नहीं, मैंने तो ये देख के लिखा है, इस पर लिखा आई लव डैडी। मुझे ये अच्छे लग रहे हैं। और ये वाले ले सकते हैं, 0-1 के लिए बेस्ट है। ये 2-4 लिखा है, ले लेते हैं यार। ये वाला फाइनल करते हैं हर्ष। प्रणम मुझे ना ये बहुत छोटा लग रहा है। अबे 0 मंथ्स के लिए यही आएगा, हमारे पास सारे साइजेस है, बस यही नहीं है। अबे क्या कर रही है, फोन में लगी हुई है, मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। शुभ मुहूर्त निकाल रही हूँ, देख रही हूँ कब तक बेबी आने की उम्मीद है, लग तो रहा नहीं है। बताओ भाई दादा दादी कब आने वाला है बेबी? अबे हम सोच रहे थे 19th अप्रैल को आ जाए, एनिवर्सरी थी, अब वो डेट भी गई। दो दिन बाद तो मम्मी का बर्थडे होता है। अच्छा यार, हम सोच रहे हैं कि डेट ओवरलैप ना हो, ज्यादा मौके मिल जाते हैं ना फंक्शन के। वो तो है, कोई बात है ना, कोई नहीं, 22 की जगह 23 को आ जाएगा, कोई नहीं, 23 को आ जाएगा पक्का। 23 को ले आएंगे हम, कर ले बात, कर लेना तो अकेले में डॉक्टर से बात करते हो। अरे पर मम्मी पापा को गिफ्ट तो दे दो यार, केक वेक काट। तेरे को पता है इनको कितने साल हो गए मम्मी पापा को? 43 ईयर्स हो गए। देखा 50th पे बिग सेलिब्रेशन करें। अरे पर सच में 43 ईयर्स हो गए? बिल्कुल, मैं तो 8 साल में दुखी हो गया, तुम्हें 43 साल हो गए। देख लो ये तो है, लड़ो झगड़ो कुछ भी करो पर रहो साथ में। अच्छा गिफ्ट लाई है, कुछ नहीं लाई? मैं बहुत बढ़िया गिफ्ट लेके आई हूँ। अच्छा, क्योंकि बेबी गिफ्ट है आजकल, सबको यही टाल रही है। हाँ। सबसे बढ़िया है गिफ्ट यही है, बढ़िया गिफ्ट है। मैंने कहा मेरे बर्थडे में गिफ्ट क्या है, कह रही बेबी गिफ्ट है, बेबी सबसे बढ़िया गिफ्ट है। तुमको पापा उनको दादा दादी बना रही हूँ, इतनी बड़ी खुशी दे रही हूँ मैं। बेटा अपने बर्थडे में भी यही कह लेती, आओ भाई काटे। हैप्पी एनिवर्सरी। The next morning. भाई इसको बेबी फीवर हो गया है, बेबी आने से पहले मिस्टर पापा को फीवर हो गया है। यार मेरे को ना वैसी फील आ रही है, आप सबको पता ही है जैसे वो होता है ना एग्जाम से पहले वाली, हाँ, वॉमिट वाली, घबराहट तो हो रही है। तेरे डायलॉग सबको पता है यार, कल क्या होगा यार, तुझे टेंशन नहीं, मुझे होनी चाहिए, तू फीवर करा के बैठ गया, लेट जा वहाँ यार, लेट जा। मैं बता रहा हूँ हॉस्पिटल पहुँचते ही आ जाना चाहिए। बाय द वे सबको ईद मुबारक, आज 22 तारीख है। हमें लग रहा था हो सकता है कि आज के चांद के साथ हमारा चांद हो जाए, बट मम्मी का बर्थडे भी है, वो भी निकल गया। हर्ष की मम्मी का बर्थडे है, लेट जाओ भाई, तुम लेटो यहीं पे, लेटो कल पक्का आ जाएगा ना। हाँ। तो भाई फॉर द वन लास्ट टाइम, लड़कों वाली जिंदगी अब खत्म, वेलकम टू मैनहुड। अब जा रहे हैं हम बेबी को, इस बार हम घर लेके आएंगे, इस बार कोई ड्रामा नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। जा रहे हैं हॉस्पिटल प्रेरणा को लेके। भाई बड़ा इंतजार कराया सच में इस बेबी ने, बहुत इंतजार कराया, बट मैंने कहा इसको आज चलते हैं। 23rd अप्रैल है आज डेट, आज हम जा रहे हैं 3:30 बजे, 4 बजे का हमारा अपॉइंटमेंट है, वहां जाके एडमिट होते हैं, देखते हैं फिर क्या होगा। बट इस बार हम अब घर पे एंट्री तभी करेंगे जब बेबी हमारे साथ होगा, ये फाइनल है। अच्छा
एक चीज और, अब ना थोड़े टाइम तक प्रेरणा नहीं दिखेगी ब्लॉग्स में, ठीक है प्रेरणा? अब प्रेरणा को रिकॉर्ड नहीं करेंगे अभी थोड़े टाइम तक, मैं ही सारी अपडेट दूंगा, मैं ही सारी न्यूज दूंगा, बॉय होगा या गर्ल वो भी मैं बताऊंगा, क्या एक्साइटमेंट है, क्या रिएक्शंस है, सब कुछ मैं बताऊंगा, प्रेरणा की हेल्थ के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा बेयर कर लेना। आई नो सबको प्रेरणा बहुत बहुत पसंद है, बट उसकी अपडेट मैं दूंगा थोड़े दिन के लिए। आप ये देख रहे हो पीछे, ये एक बैग है, ऐसे ना तीन बैग और है। मुझे नहीं समझ में आ रहा हम हॉस्पिटल जा रहे हैं बेबी को लेने या फिर हम किसी ट्रिप पे जा रहे हैं। इस लड़की ने जो जो सामान मिला ना वो सब पैक कर लिया, कह रहे ये भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए, ऐसे करके हमारे चार बैग बन गए। मुझे तो लग रहा है हॉस्पिटल वाले एंट्री भी नहीं देंगे। चलें प्रेरणा, चल चल चल, अब दो से तीन होके आएंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा नर्वसनेस, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आगे आगे हमारी गाड़ी, पीछे पीछे पापा मम्मी हर्ष के आ रहे हैं। बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा कैसे क्या होने वाला है। बट जो भी, अब अपना पार्सल हम घर लेके ही आएंगे। ये पैकेज ने हमें बहुत वेट करा लिया, बहुत परेशान कर लिया। आज हम दो दिख रहे हैं इस गाड़ी में, फिर एक बेबी सीट पे एक बेबी दिखेगा। बहुत नर्वस हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है। बहुत अच्छा यार, पता है सुबह से ना रो रही थी, कह रही मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं जाना है। तो डर लगना तो स्वाभाविक है ना। मैं हूँ ना यार, क्यों डर रही है? चलो हॉस्पिटल पहुँचते हैं फिर देखते हैं। तू हंस रहा है पर तुझे पता है ना हमारी लाइफ बदलने वाली है। अबे तू ऐसे ही सोच रही है, बहुत बहुत अच्छी होने वाली है पता है। मैंने भी अच्छा ही सोचा है। एक बात बता, सच्ची बोलियो, आजकल जब हम ट्रैवल करते थे मेरे साथ क्या कहती थी तू? बोर है, तू तो बोर है, तू तो बोर कर रहा है, तू तो बोर कर रहा है। अब सोच, तो अभी कौन सा मुझे एंटरटेन कर रहा है? अभी भी बोर ही कर रहा है। हाँ तो तभी तो सोच, तेरी लाइफ में एक एक्साइटमेंट आएगी। ठीक है यार, ठीक है, और मत घबरा यार। मम्मी आई है, बैठी हुई है, घबरा रही है। जल्दी से होना चाहिए ना बेबी। क्यों घबरा रहे हो? वो तुम्हें देख के और घबराएगी। अरे डरो मत यार, डरोगे तो फिर वो भी डरेगी। पहले उसको सुइयों से, इंजेक्शनों से कितना डर लगता है। काफी टाइम ले लिया ना, इसलिए लग रहा है थोड़ी सी घबराहट। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मत घबराओ मत। अरे ये तो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, इसमें घबराना थोड़ी ना होता है। जब तक वो नहीं जाता थोड़ा बहुत तो रहते ही है ना मन में कि चलो आराम से हो जाए बेबी। फिर रुक रहा आप रात में? रुक जाऊंगी क्या, देख लो। हाँ रुक जाऊंगी। बैठो यार, बैठो आराम से बैठो, मतलब करो नीचे बैठो, अपना चाय कॉफी पियो, रिलैक्स करो। इतनी देर चिल्लाए हॉस्पिटल ने, तेरे को निकलवा देना यहाँ से बाहर। आप आराम से चाय कॉफी पियो, रिलैक्स करो। चाय तेरे को जो हॉस्पिटल वाले देंगे वही खाएगी। मतलब कुछ ना कुछ टाइम पास करने के लिए ढूंढ रहा है। मैं पेशेंट प्रेरणा की रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, इससे मुझे लग नहीं रहा है अभी आने वाला है दो चार घंटे में। अच्छा डॉक्टर, डॉक्टर बचपन में बहुत खेला होगा तूने डॉक्टर। इस लड़की ने ना, इसको इतने लोगों ने कहा भर के घी पी, इसने कुछ खाया पिया तो है नहीं। अच्छा अच्छा, सब तूने खाया है। पर वेट कैसे बढ़ा अगर इसने खाया नहीं तो? बस अब सोच ले कितना खाया है मैंने। एक्चुअल में ना इसी ने खाया इस टाइम पे, देख रहे हो मैं देख रहा हूँ सूख गया हूँ बहुत ज्यादा। मेरा 50 किलो वजन रह गया सिर्फ। बेचारा कितना कमजोर हो गया। 75 किलो होता था। तो यहाँ पे मेरे लिए थकी हुई चाय और बहुत ही मस्त सैंडविच आए हैं, ब्राउन ब्रेड। क्या क्या हुआ हर्ष, क्या हुआ? सेवा हो रही है इसकी, क्या मरीज भाई, मरीज तो हम है। अच्छा अच्छा, सही बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, टी टाइम। देख चार पीस है इसमें, एक दो तीन, तू दो खा ले क्योंकि तू दो ही है वैसे। उनको पता है कि चार पीस है तो चार का क्या हिसाब है, देख ले। तो अभी ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया प्रेरणा को एडमिट हुए। प्रेरणा की डॉक्टर आई है और उनको ना बहुत सारी कंप्लेंट्स है प्रेरणा से। वो कह रही है मैं दुखी हो चुकी हूँ 9 महीने तक, ये लड़की ने आके परेशान कर दिया है, अब डिलीवर हो मेरा काम हटे। हेलो मैम। हर्ष बिल्कुल गलत कह रहा है, प्रेरणा से परेशान नहीं हूँ। शी इज अ वेरी गुड पेशेंट एंड शी हैज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड पेशेंट, वेरी कोऑपरेटिव एंड यू नो ऑलवेज शी वुड लिसन टू माय इंस्ट्रक्शंस। आप देख रहे हो ये वही है जिसने खाने नहीं खाए, मेडिसिन टाइम पे नहीं ली। वो कंप्लेंट हर्ष को हो सकती है, आई वुड आस्क प्रेरणा, तो प्रेरणा बोलती थी कि मैं खाना भी खा रही हूँ, मेडिसिन भी ले रही हूँ, एंड हर्ष ऑन द अदर साइड वुड से कि ना ये खाना खा रही है और ना ही मेडिसिन खा रही है। ये सिर्फ हर्ष की कंप्लेंट्स थी, बट सो फार सो गुड, अभी तक सब कुछ टच वुड बहुत अच्छा चल। नहीं जोक्स अपार्ट, मैम आपने बहुत हेल्प करी है, थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम फॉर मोर बेबीज एज वेल। भाई इस लड़की की तो सेवा हो रही है, दाल वेज राइस रोटी रायता। प्रेरणा क्या है, मुझे भूख लग रही है और तेरी सेवा हो रही है, दिखा अपना छापा तो दिखा दे। स्टैम्प स्टैम्प लग गई है इसको, अब जल्दी से स्टैम्प का रिजल्ट आने वाला है। मैं बेचारा भूख से मर रहा हूँ और इसके लिए खाने आ जा रहे हैं। यार अटेंडेंट का खाना नहीं होता क्या? ये पार्सल तू डिलीवर कर ले, तुझे भी खाना मिल जाएगा। नहीं बात तो सही है, सुई भी तो इसने लगवाई है, इसी को ही मिलना चाहिए खाना। मैं ना नीचे जाके ना सीसीडी से कुछ खा रहा हूँ, फ्रैपे श्रैपे पीते हैं, ये दाल चावल तो हम रोज ही खाते हैं। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है हम होटल में आए हैं। भाई मुझे मेन्यू दिख गया, तूने छुपाया हुआ था ना मेन्यू अपने पास? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने लिए ना शिकंजी मंगवा रहा हूँ, हाँ। फ्रेश लाइम और मिंट डाला होगा इसके अंदर, फ्रेशनेस आ जाएगी, ताजगी आ जाएगी, मेरे को हिम्मत देगी तेरे साथ बैठने की। A few moments later, ये देखो मैं अपना कैनुला दिखा देती हूँ पहले। ये मरीज पास्ता खाते हैं, राबिता पास्ता मिक्स सॉस। मिक्स सॉस पास्ता खाऊंगा। यार प्रेरणा तेरा खाना वो था जो मैंने खा लिया,
तो अच्छी बात है ना, दोनों ये मेरा खाना है, ये मैं ही खाऊंगी। ये ना तू पक्का हॉस्पिटल तो आई नहीं, मुझे लग रहा है तू ये अपनी वेकेशन पे आई है। मैं एक्चुअल में अपनी वेकेशन पे आई हूँ। कैसा है खाना? बढ़िया है। तो फिर मेरे हिसाब से 2-3 दिन एक्स्ट्रा रुक जाते हैं। मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टी दे दो, मुझे घर जाना है। तो ये बज गए अभी रात के 11 और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, अभी भी वेट ही चल रहा है। प्रेरणा की मम्मी आ गई है तो वो बैठी है उसके साथ ऊपर, मैं यहाँ पे नीचे आया हूँ, देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या करा जाए। चिप्स खाने का मन है, प्रेरणा कह रही है कुछ चिप्स या बिस्किट्स ले आ, तो वो भी देखते हैं। CCD खुला है, उस वहाँ से लेते हैं कुछ ना कुछ। वेट हो रही है यार ऑलरेडी। कितने बजे आए थे हम? 4 बजे आए थे, 11 बज गए हैं, 7 घंटे तो ऑलरेडी हो गए हैं। कितना टाइम लगाएगा ये बेबी पता नहीं यार। भाई 11:15 हो रहे हैं, मानशु क्यों आया तू? भाई हमसे वेट नहीं हो रहा, हम लेने आ गए हैं, डॉक्टर जल्दी कराओ भाई। ये मैं नए मेहमान को मिलने आया, ये नन्ना मेहमान भी आया है मिलने, कह रहा है मेरे को भी मिलवाओ है। बिल्कुल अभी ढीठ है वो बच्चा, उसने नहीं आना बाहर। प्रेरणा भाई गया है लग तो ऐसे ही रहे। बोलो बोलो चाचू जल्दी। ये बोल रहा है मेरे फ्रेंड को जल्दी जल्दी लाओ। द नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6 बजे हैं बट स्टिल देयर इज नो बेबी। गुड मॉर्निंग। इसको जो मतलब घर में पेंट्स थी ना वो भी अब खत्म हो गई है। मैं ना होटल स्टे के लिए आई हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे खुद ऐसा लग रहा है और मुझे लग रहा है अब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा प्रेरणा इस बेबी के अगेंस्ट। अच्छा। हाँ मतलब ये भाई बाहर आने को तैयार नहीं है। ये स्कूल में भी ऐसी, मुझे लग रहा है ये अब भी ऐसा कर रहा है ना, स्कूल में भी इसने ऐसा ही करना है। डांट पड़ेगी स्कूल में भी इसको, बहुत जिद्दी बच्चा होने वाला है ये। बस प्रेरणा डिसीजन लेते हैं यार, 6:30 बज गए, पूरी रात निकल गई है, पूरा दिन निकल गया है। अब आपको ना नेक्स्ट क्लिप में बेबी बॉय है बेबी गर्ल यही पता लगेगा। भाई ओटी के बाहर खड़ा हूँ, बहुत टेंशन हो रही है, दिमाग खराब हुआ है। जल्दी बताओ, वो कह रहे हैं 15-20 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम हाफ एन आवर लगेगा, मेरे से वेट नहीं हो रहा। कम से कम 1000 चक्कर लगा चुका गोल गोल। बताओ यार क्या हो रहा है अंदर? कौन है?